कहता हूँ किसी मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो, किसी मौलाना को राष्ट्रपति बना दो, किसी मौलाना को मुख्यमंत्री बना दो, मुसलमान खतरे में होंगे। हम हिंदुओं को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हो? अरे भाजपाइयों, बकवादारी गुंडों, क्यों ढकेल रहे हो? क्यों हमें तिल तिल कर मरने को विवश कर रहे हो? क्यों हमें तड़पा रहे हो? आखिर देश का हिंदू ने आपका क्या बिगाड़ा है? देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हिंदू है कि मुसलमान है? राष्ट्रपति कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? राज्यपाल कौन है? पुलिस कमिश्नर कौन है? तमाम संवैधानिक पद पर बैठे हुए ज्यादातर लोग हिंदू हैं। तब अगर हिंदू खतरे में हैं, तो मैं कहता हूँ मौलाना को प्रधानमंत्री बना दो, किसी मौलाना को राष्ट्रपति बना दो, किसी मौलाना को मुख्यमंत्री बना दो, मुसलमान खतरे में होंगे। हम हिंदुओं को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हो? अरे भाजपाइयों, बकवादारी गुंडों, क्यों ढकेल रहे हो? क्यों हमें तिल तिल कर मरने को विवश कर रहे हो? क्यों हमें तड़पा रहे हो? आखिर देश का हिंदू ने आपका क्या बिगाड़ा? काम नहीं कर रहा है। और कितनी दलाली करोगे सत्ता के हवसियों, चाटुकारों, कितनी दलाली करोगे? आपको भी सुभाष चंद्र की तरह राज्यसभा में जाना है क्या? आप भी बैंक लूटोगे क्या? आप भी भारत लूट कर बनना चाहते हो क्या? अरे आप भी रजत शर्मा की तरह पद्म सम्मान लेना चाहते हो क्या? अरे बेशर्मो, शर्म करो। देश ऐसे मुहाने पर खड़ा है। कितनी दलाली मिली है? भाजपा का विरोध करने की कितनी दलाली मिली आपको? अच्छा, ये भाजपा पूरा देश है? अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हफसियो, शर्म नहीं आती? भारत की एक एक संस्था आपने बेच दी, भारत की अर्थव्यवस्था के गर्त में ढकेल दिया। आपने सवाल पूछना चाहिए कि मशरूम की सब्जी आपके पापा खाएंगे और कर्जा हम भुगतान करेंगे। खेत खाए बकरी, मार खाए जोल्हा, बताओ भारत की आवाम ने भैया दलालो बंद करो गैंगस्टर की भूमिका। कौन खाया मशरूम? कौन पहना 5 लाख का बूट? कौन पहना 10 लाख का सूट? किसने 85,000? किससे बात कर रहा है? प्रधानमंत्री से बात कर रहा है ना, देखिए आज। अच्छा, अमेरिका किससे बात करेगा भैया? किससे बात करेगा? प्रधानमंत्री हो? अरे तुम प्रधानमंत्री हो, खाली विरोध कर रहे हो। बेशर्मो, सत्ता के दलालो, हफसियो, शर्म करो। रमजान का महीना है, पाके कुरान की कसम खा के बताओ कि वो सच्चा प्रधानमंत्री है जो देश को उबारने की बात कहता है। आप जैसे दलालों ने, आतंकवादियों से भी गए गुजरे, आप जैसे पत्रकारों ने देश का भट्ठा बिठा दिया, शर्म नहीं आती? फिर सवाल करो, सवाल पूछो कि ऋषि अग्रवाल को दो दो जगह जमीन कैसे मिला? ऋषि अग्रवाल को प्रधानमंत्री लेकर कैसे गए कोरिया? पूछो सवाल कि मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग देश छोड़कर कैसे भाग गए? कौन लोग उनको सवारी मुहैया करा रहे थे? क्या यही सवारी देश के कोरोना के समय में देश की आवाम के लिए नहीं मुहैया कराना था? आप सवाल पूछो कि उसी बलिया में पाट्टू की सरकार में एम्बुलेंस की कमी के कारण मरीज अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया? सवाल पूछने की है हिम्मत? सवाल अरे अपने ही, अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालों, अपने पत्रकार साथियों का पूछ लिया होता, ये तो शुक्र मनाओ उनकी चड्डी नहीं खोली गई, नहीं तो भाजपा के राज में ही पत्रकारों की चड्डी तक खोल ली जाती है। नंगा कर दिया गया। और बेशर्मी की हद इतनी कि नाचते हो, ठुमका लगाते हो। अरे आप तो पैरों में पैजाब पहन लो, घाघरा चोली पहन लो, जाओ तो चौराहों पर नाच लो। क्यों पत्रकारों को बदनाम कर रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? आप सवाल पूछो, अन्ना हजारे कहाँ है? सवाल पूछो बाबा रामदेव, जिसको आप बाबा कहते हैं, साधु के बेस में लुटे रहे देश में 35,000 करोड़ का आसामी कैसे हुआ? पूरे भारत में उसको भूमाफिया कैसे बना दिया गया? सारे उनको बाबा मानते हैं। अभी कौन बाबा मला? अभी बाबा कौन है? दो आंख वाला कानिया लाला, हरामदेव, व्यापार देव, राजीव दीक्षित, आप कहा ना? हम नहीं कहते, हम कहते जब उनको बाबा सिर का भी दवाई है, डायबिटीज का दवाई है, कोरोना का दवाई है, तो अपना 1.25 से 2 कहानी कर लेता। बच्चा 25-30 रुपए का पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं? अब कहाँ है भैया, अब कहाँ है 25-30 रुपए का पेट्रोल डीजल? बताओ ना, कहाँ है 200-200 करोड़ रुपया गाँव को मिलने की बात? कहाँ है 200 रुपए की गैस सिलेंडर की बात? दिख जाता है मध्य प्रदेश, दिख जाता है आपको, रास्ता नहीं दिखता है। देख, दलित को मुंह रखने के कारण मार देते, वहाँ आप बोलते नहीं हो क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ से आपको दलाली मिलती है। अच्छा, हो गया, और कुछ बोलोगे? नहीं, आप बताओ, और कुछ सवाल है? आगे पूछेंगे, एक बार बोल लो ना पहले। देखो, 2014 से पहले भी जितने भी दंगे हुए, जितने कुछ भी हुए, सब में आरएसएस और भाजपा का पृष्ठभूमि रहा है। ऐसा कोई आदमी अगर उसके साथ अत्याचार हुआ, वहां की सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती, आपका नंबर, हमारा नंबर आपके पास होगा, आपने फोन किया, आपने हमारी वीडियो नहीं ली, किसके इशारे पर नहीं ली, इतने दिन से आप हमसे इंटरव्यू क्यों नहीं लिए? इसका मतलब आप भाजपा आईटी सेल के दलाल हैं, भरवे हैं, आपको सिर्फ यही काम मिला हुआ है। आप
नहीं देख रहे कि देश के 99% घरों के चूल्हे पर प्रभाव पड़ा है, गैस सिलेंडर का दाम क्या हो गया, तन पर कपड़ा नहीं है, नींबू जो नजर बट्टा लगाया जाता था, दलालों भरमो सीख तो लो, उस नजर बट्टे को भी मोदी जी की नजर लग गई, वो भी 300 के पार बिकने लग गया है। अब तो किसको नींद खराब हो रही है, लोग अब महंगाई के चक्कर में पड़े हो गया और कुछ बोलोगे? बोलिए, कब तक ये नफरत में बेचोगे देश में? कितने पैसे की दलाली की हो? अरे लोग भूखे नहीं सो रहे, बच्चा जब रोता है तो माँ कहती है बच्चे सो जाओ सो जाओ, महंगाई बढ़ गई है, जान से लोग सो नहीं पा रहे, महंगाई से सो रहे हैं। कहाँ तक पढ़े लिखे हो? मोदी जी का 2005 का सुने थे वीडियो? सुनाऊं? सुनाइए। क्या बोले थे मोदी जी? बताइए क्या बोले थे। तो सुनाता हूँ अभी, बेशर्मो, उस पर ध्यान नहीं है? अब नहीं पूछोगे मोदी जी से कि पापा अब क्यों नहीं आते बोलते हो? 2005 में बोले थे तोतले, रुको अभी सुना पहले। नॉट एट ऑल, और कोई भी अगर कोई प्रभु चावला के साथ इंटरव्यू दिया था, है हिम्मत, माँ का दूध पियो, छठी रात की दूध याद आ जाएगी, पतलून के लिए हो जाएगी, जाके मोदी जी से पूछोगे तो। मोदी जी का वीडियो लीक कर रहे हैं फिर? मैं कर रहा हूँ, जितनी बातें 2014 से पहले मोदी जी ने, जादू का छरी था ऐसे हिलाता, अलाउद्दीन का चिराग था जलाता, सारी दुनिया का समस्या का समाधान था, आज खुद भारत के लिए सरदर्द बन गया, उसे सवाल नहीं पूछते हो? है हिम्मत, चलो दीनदयाल पर। अरे बेशर्मो, सत्ता के दलालो, भरमो शर्म करो देश को। अरे सुनो, फर्क सरकार फिर से आ गई ना उत्तर प्रदेश में, तभी अपने पापा के पुतने दे टीवी दला ईवीएम तो दाइब है, ईवीएम कहाँ है? सड़क पर प्रतिदिन बोलते, आप जैसे लोगों ने दिखाना बंद कर दिया। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों का काम था सरकार से सवाल पूछना, चुनाव आयोग से सवाल पूछना कि 20 लाख ईवीएम कहाँ है, हार पहचान नहीं पा रहे आप लोग, शर्म ही नहीं है? अरे देखो, लाजू मरे ढीठू जिए, आप लोग एगोता थेथर एगोता थुथुर एगोता महाथुथुर, आप पत्रकारों की भूमिका महाथुथुर जैसा है, कभी सवाल नहीं पूछते। अरे सुनो पहले बात, अरे कैसे नहीं सवाल, एक बात बताओ, विनोद राय कहाँ है? अरे विनोद राय फर्जी जो घोटाला निकाला था, उस विनोद राय के बारे में सवाल पूछा आपने? सवाल पूछा कि अन्ना हजारे कहाँ है? जल लोकपाल लागू हुआ, रुपया के बराबर डॉलर हुआ, 35,000 करोड़ का आसामी, पौने दो आंख वाला कानिया लाला हराम देव, भू माफिया कैसे हो गया? आपने सवाल पूछा? आपने सवाल पूछा अमिताभ बच्चन से कि लोन पर अब साइकिलों नहीं ले पाएगा आदमी? अब उसका बात नहीं पूछोगे? योजना मिल रहा है, सिलेंडर फ्री में मिल रहा है, लीजिए ना, हो गया। तो और कुछ बोलोगे? आप लोगों ने जैसे मछलियों को चारा डाला जाता है और मछली को फंसाया जाता है, 5 किलो अनाज के नाम पर लौंडा पचीसी का नाच दिखाकर, अल्लाह रुदल का नाच दिखाकर जो हिंदुस्तान की आवाम को आपने बेवकूफ बनाया, आप एक बात बताओ, 80 करोड़ आदमी 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगने लग गया, सोचो कि हमारे देश की कितनी दुर्गति हो गई, आपको नहीं दिखता?